हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के स्टूडियो में हम पढ़ने वाले हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और स्टैंडर्ड एरर का मतलब क्या होता है। तो इस वीडियो को देखने के पहले अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने बताया था पॉपुलेशन, सैंपल, पैरामीटर और स्टेटिस्टिक के बारे में, वो वीडियो आप जरूर देखिए क्योंकि उसी के कंसेप्ट से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में जो देखा था कि पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, तो इन शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है। जब हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप की स्टडी करेंगे तो उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने बात करी कि मुझे किसी पर्टिकुलर सिटी में ऐसे बच्चों का जो डेटा है वो कलेक्ट करना है जिनकी एज क्या है 3 ईयर से कम है, तो मैं क्या करूंगा उस सिटी के अंदर ऐसे बच्चों का डेटा कलेक्ट करूंगा जिनकी एज क्या है 3 ईयर से कम है। तो उन सारे बच्चों का जो कलेक्शन रहेगा, है ना, उन सारे बच्चों के डेटा का जो कलेक्शन रहेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा पॉपुलेशन कहलाएगा। ठीक है, अब सपोज करो मुझे उसमें से उस टाइप के बच्चे सिलेक्ट करना है जिनकी हाइट क्या है 1.5 फीट या 2 फीट, मान ले 2 फीट है। ठीक है, मुझे ऐसे बच्चे सिलेक्ट करना है कि जिनकी एज 3 साल से कम है और उनकी हाइट 2 फीट है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा उस डेटा में से इस टाइप के बच्चे सिलेक्ट कर लूंगा जिनकी हाइट क्या है 2 फीट की है। तो हमने क्या करा, पॉपुलेशन में से कुछ एलिमेंट्स अलग सेलेक्ट कर लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सैंपल बोलेंगे। तो सैंपल का मतलब क्या होता है, सबसेट ऑफ पॉपुलेशन होता है। ठीक है, जो भी हम सैंपल पढ़ते हैं या जो भी हम पॉपुलेशन की स्टडी करेंगे, तो जब भी हम किसी पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं तो उस पॉपुलेशन की स्टडी में आपको क्या ध्यान रखना रहता है कि जो भी पॉपुलेशन का स्टेटिस्टिकल कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जैसे पॉपुलेशन है तो उसका कोई साइज होगा, पॉपुलेशन है तो उसका कोई मीन होगा, पॉपुलेशन है तो उसका कोई कुछ स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरियांस भी होगा। तो जितने भी स्टेटिस्टिकल कांस्टेंट होते हैं पॉपुलेशन के, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, तो पैरामीटर का मतलब क्या हो जाएगा, स्टेटिस्टिकल कांस्टेंट ऑफ पॉपुलेशन। सिमिलरली स्टेटिस्टिक का मतलब क्या हो जाएगा कि जितने भी सैंपल हम सिलेक्ट करेंगे पॉपुलेशन में से, उन सभी सैंपल का कुछ ना कुछ साइज होता है, उन सभी सैंपल का कुछ ना कुछ मीन होता है, उन सभी सैंपल का कुछ ना कुछ क्या होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरियांस होगा। तो जितने भी स्टेटिस्टिकल कॉन्स्टेंट होंगे सैंपल के, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टेटिस्टिक बोलते हैं। ठीक है, अब बेसिकली हमें करना क्या रहता है कि अगर हमें कोई पॉपुलेशन दे के रखी है, तो इस पॉपुलेशन में से हम क्या करते हैं, सैंपल सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इस पॉपुलेशन में से हम सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। तो जब आप पॉपुलेशन में सैंपल को सिलेक्ट करते हैं तो आपको ध्यान क्या रखना रहता है कि जो सिलेक्शन है वो रैंडम होना चाहिए। मतलब पॉपुलेशन के में जितने भी एलिमेंट है, हर एलिमेंट का सैंपल में सिलेक्ट होने का जो चांस है वो एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, और हम क्या करते हैं कि सैंपल की बेसिस पे पॉपुलेशन के बारे में क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो हमारे सैंपल के स्टेटिस्टिक है, ठीक है, जो हमारे सैंपल के क्या रहेंगे, स्टेटिस्टिक रहेंगे। अभी मैंने आपको बताया था सैंपल स्टेटिस्टिक का मतलब क्या होता है, स्टेटिस्टिकल कॉन्स्टेंट ऑफ सैंपल, जैसे कि सैंपल मीन, है ना, सैंपल साइज, सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन, है ना, वो क्या करते हैं, जो पॉपुलेशन के पैरामीटर रहेंगे। ठीक है, जो पॉपुलेशन के पैरामीटर रहेंगे, जैसे कि पॉपुलेशन का मीन जो म्यू से डिनोट करते हैं, पॉपुलेशन का साइज, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, तो जो सैंपल का मीन है वो क्या करेगा, पॉपुलेशन मीन को क्या करता है, एस्टीमेट करता है। ठीक है, क्योंकि हम पूरी पॉपुलेशन की स्टडी नहीं कर पाते। सिमिलरली सैंपल का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो एस्टीमेट करेगा पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डिविएशन को। ठीक है, तो जब भी हम बात करेंगे पॉपुलेशन सैंपल की, तो ये जो कंसेप्ट है पैरामीटर स्टेटिस्टिक का, ये काय में यूज आता है जब हम एस्टिमेशन थ्योरी की बात करेंगे, है ना, जब हम एस्टिमेशन थ्योरी की बात करेंगे तो उसमें ये सारा कंसेप्ट काम आएगा। ठीक है, और इसी कंसेप्ट को मैं आगे बढ़ाऊंगा सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो देखिए सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, उसको पढ़ने के पहले हम पहले कुछ बेसिक चीजें समझते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था सिंपल रैंडम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट और सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो मैं आपको वही कंसेप्ट बता रहा हूं पूरा, और उसी के थ्रू हम पढ़ेंगे कि सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। तो देखिए सपोज कीजिए कि मेरे पास क्या है, कोई पॉपुलेशन है। ठीक है, सपोज कीजिए मेरे पास कोई पॉपुलेशन है और ये पॉपुलेशन की जो साइज है वो कैसी है, फाइनाइट है। कहने का मतलब जो पॉपुलेशन की साइज है, ठीक है, जो पॉपुलेशन की साइज है वो क्या है, फाइनाइट है। मतलब मेरे पास पॉपुलेशन में कितने एलिमेंट्स है, कैपिटल एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, अब ये हमें बात समझ में आती है कि अगर पॉपुलेशन की साइज फाइनाइट रहेगी तो जो मैं सैंपल सिलेक्ट करूंगा पॉपुलेशन में से, उनकी साइज भी क्या रहेगी, फाइनाइट रहेगी। ठीक है, और मैं एक फाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल ही सिलेक्ट कर सकता हूं पॉपुलेशन में से। ठीक है, तो जब मैं सैंपल सिलेक्ट करूंगा पॉपुलेशन में से तो मैं सैंपलिंग 2 तरीके से करता हूं। ठीक है, एक क्या होता है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग विथ
रिप्लेसमेंट, और एक और सेकंड क्या होता है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो जब हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट करेंगे, अगर हमारी पॉपुलेशन की साइज कैपिटल एन है, और सपोज कीजिए कि हमारी जो सैंपल हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी साइज कितनी है, स्मॉल एन है। ठीक है, जो सैंपल साइज है, सपोज कीजिए जो सैंपल साइज है वो कितना है, स्मॉल एन है। ठीक है, तो हम कितने सैंपल सिलेक्ट कर सकते हैं ना, कितने सैंपल हम सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मुझे ये तो पता है कि पॉपुलेशन अगर फाइनाइट है तो सैंपल भी कितने होंगे, फाइनाइट सिलेक्ट कर पाऊंगा। तो मैंने क्या मान लिया यहाँ पे कि अगर पॉपुलेशन फाइनाइट है तो हम कितने सैंपल सिलेक्ट कर सकते हैं, सपोज कीजिए हम के सैंपल सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन में से। अब अगर आप यूज कर रहे हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट, तो उस केस में कितने सैंपल आएंगे, है ना, पॉपुलेशन में से कितने सैंपल आएंगे, तो वो सैंपल तो के रहेंगे, बट उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटल एन टू द पावर स्मॉल एन। ठीक है, अगर आप यूज करेंगे सिंपल रैंडम सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट, होता क्या है इसका मतलब कि जो भी आप सैंपल सिलेक्ट करेंगे पॉपुलेशन में से, मतलब जो भी आप एलिमेंट सिलेक्ट कर रहे पॉपुलेशन में से, उस एलिमेंट को वापस से पॉपुलेशन में रिप्लेस करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या होता है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। अब पॉपुलेशन फाइनाइट है, सैंपल साइज स्मॉल एन है। ठीक है, तो अगर पॉपुलेशन फाइनाइट है तो मैं फाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल ही पॉपुलेशन में से सिलेक्ट कर सकता हूं। तो अगर मैं यूज करूंगा सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, तो उस केस में जो पॉपुलेशन, जो सैंपल, कितने सैंपल निकाल सकता हूं मैं पॉपुलेशन में से, के सैंपल निकाल सकता हूं, है ना, फाइनाइट सैंपल, के जहां पे फाइनाइट नंबर रहेगा। और इस के का मतलब क्या रहेगा, जब अगर मैं यूज करूंगा सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, तो इसका मतलब रहेगा एन सी एन, मतलब एन कॉम्बिनेशन, कैपिटल एन कॉम्बिनेशन स्मॉल एन, मैं इतने सैंपल पॉपुलेशन सैंपल पॉपुलेशन में से निकाल सकता हूं, कब, जब मैं यूज करूंगा सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये कॉम्बिनेशन कंसेप्ट है। इसका अपन छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर पॉपुलेशन का साइज कैपिटल एन कितना है, 4 है, और सपोज कीजिए कि हमारी जो सैंपल है उसका साइज कितना है, 2 है, मतलब हम दो दो के सैंपल सिलेक्ट कर रहे हैं, तो अगर मैं यूज करूंगा सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, तो मैं कितने सैंपल सिलेक्ट कर सकता हूं, तो देखिए यहां पे कितने सैंपल सिलेक्ट करेंगे अपन, के इक्वल्स टू n टू द पावर कैपिटल n, दैट इज सॉरी n टू द पावर स्मॉल n, दैट इज 4 टू द पावर 2, दैट मींस 16 सैंपल हम सिलेक्ट कर सकते हैं जब हम यूज करेंगे सिंपल रैंडम सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट। ठीक है, पॉपुलेशन साइज 4 है और हम दो दो के सैंपल सिलेक्ट करेंगे, तो हम ऐसे 16 सैंपल सिलेक्ट करेंगे जिनमें कितने एलिमेंट रहेंगे, 2 एलिमेंट्स रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम यूज करेंगे सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, तो उस केस में हम कितने सैंपल सिलेक्ट कर सकते हैं, के इक्वल्स टू एन सी एन, तो कैपिटल एन सी एन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4C2, है ना, कॉम्बिनेशन। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, दैट इज 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 6। इसका मतलब क्या होगा, अगर आप सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट यूज करेंगे, तो उस केस में इस फाइनाइट पॉपुलेशन में से अपन 6 सैंपल सिलेक्ट कर सकते हैं, और हर सैंपल की साइज कितनी होगी, 2 होगी। तो यहाँ पे जो स्मॉल है ना, इसका मतलब क्या है, सैंपल साइज, और जो कैपिटल एन है उसका मतलब क्या रहेगा यहाँ पे, पॉपुलेशन साइज। ठीक है, इस कैपिटल एन का मतलब क्या रहेगा, पॉपुलेशन साइज। ठीक है, मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा इधर शिफ्ट करना चाहूंगा। तो देखिए यहां पे अब करना क्या है हमको, बेसिकली कि अगर हमारे पास पॉपुलेशन क्या है, फाइनाइट है ना, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अगर हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो कैसी है, फाइनाइट है। ठीक है, मतलब जो पॉपुलेशन है उसका साइज कितना है, कैपिटल एन है। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं यहां पे, सैंपल सिलेक्ट कर रहे हैं, कितनी साइज के सैंपल सिलेक्ट कर रहे हैं अपन, स्मॉल साइज एन के, इस फाइनाइट पॉपुलेशन में से। ठीक है, तो अब ऐसे में कितने सैंपल सिलेक्ट कर सकता हूं, भैया पॉपुलेशन फाइनाइट है, सैंपल साइज कितना है, स्मॉल एन है, पॉपुलेशन अगर फाइनाइट है तो मैं फाइनाइट सैंपल ही सिलेक्ट करूंगा। तो हमने कितने मान लिए, कितने सैंपल सिलेक्ट कर सकते हैं हम, हमने मान लिए हम के सैंपल सिलेक्ट कर सकते हैं पॉपुलेशन में से। ठीक है, हम के सैंपल सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जहां पे के एक फाइनाइट नंबर है। तो देखिए मैंने यहां पे क्या करा, पहला सैंपल निकाला इसी पॉपुलेशन में से। ठीक है, ये हो गया मेरा फर्स्ट सैंपल, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना दें, तो ये मैंने निकाला यहां पे फर्स्ट सैंपल पॉपुलेशन में से। ठीक है, ऐसे ही मैंने सेकंड सैंपल निकाला पॉपुलेशन में से। ठीक है, ऐसे ही मैंने थर्ड सैंपल निकाला पॉपुलेशन में से, और ऐसे ही मैं कंटिन्यू करा, और ऐसे ही मैंने यहां पे के नंबर का सैंपल निकाला पॉपुलेशन में से। ठीक है, ये हो गया मेरा kth सैंपल। ठीक है, अब ये जो सैंपल है
ठीक है, हर सैंपल का जो साइज है, ये सारे सैंपल्स हो गए मेरे, हर सैंपल का साइज कितना है, n है, ठीक है, हर सैंपल का साइज यहाँ पे फाइनाइट है, n है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपने एग्जांपल लिखा था कि हर सैंपल का साइज 2 रहेगा, वैसे यहाँ पे हर सैंपल का साइज n है, ठीक है। अब ये जो मैंने सैंपल निकाला, इस सैंपल का मैं क्या निकालूंगा, स्टैटिस्टिक निकालूंगा, है ना। जैसे कि मैं सैंपल का मीन निकालूंगा, सैंपल का वेरियंस निकाल सकता हूं, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकता हूं। ऐसा मैं हर सैंपल के लिए करूंगा। कहने का मतलब कि जो पहला सैंपल है, उस पहले सैंपल का हम क्या फाइंड करेंगे, सैंपल मीन निकालेंगे, मतलब एक्स बार वन निकालेंगे। सेकेंड सैंपल का अगर हम मीन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो एक्स बार टू। थर्ड सैंपल का मीन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो एक्स बार थ्री। ऐसे ही मैं kth नंबर के सैंपल का मीन निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, एक्स बार के हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम पहले सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकाल सकते हैं, जिसको डिनोट करते हैं अपन स्मॉल एस से, है ना। सेकेंड सैंपल का हम स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हैं, एस टू बोल रहा हूँ। थर्ड सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं, एस थ्री बोल रहे हैं। फोर्थ सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं, एस फोर बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही हम वेरियांस भी निकाल सकते हैं सैंपल का, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एस वन स्क्वायर, एस टू स्क्वायर, एस थ्री स्क्वायर और एस फोर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, हमारे सैंपल के स्टेटिस्टिक हो जाएंगे, है ना। अब ध्यान क्या रखना है कि जो पॉपुलेशन है, अब उस पॉपुलेशन का भी तो कुछ ना कुछ पैरामीटर होगा। तो जो पॉपुलेशन, उसकी साइज कितनी है, कैपिटल एन है। तो इस पॉपुलेशन का जो मीन रहेगा वो कितना रहेगा, पॉपुलेशन का मीन, पॉपुलेशन का मीन रहेगा म्यू, ठीक है। पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डिविएशन रहेगा वो कितना रहेगा, वो सिग्मा। पॉपुलेशन का जो वेरियंस रहेगा वो कितना रहेगा, फॉर एग्जाम्पल कितना है, वो सिग्मा स्क्वायर है, ठीक है। अब जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, उसका कंसेप्ट क्या है, वो सिंपल है। हमने क्या करा, ये जितने भी सैंपल स्टेटिस्टिक्स हमने निकाले, है ना, जितने भी हमारे सैंपल है, है ना, इन सभी के हमने स्टेटिस्टिक निकाल लिए। अब इन सभी स्टेटिस्टिक्स को ध्यान से देखिए, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या करा यहां पे, जैसे मैं बात कर रहा हूं सैंपल मीन की, है ना, हर सैंपल के मीन की बात कर रहा हूं। मैंने क्या करा यहां पे, सैंपल मीन को अरेंज कर लिया, जैसे एक्स बार वन, एक्स बार टू, एक्स बार थ्री अप टू एक्स बार के, ठीक है। हमने क्या करा, एक सैंपल मीन को, सभी सैंपल मीन को एक साथ लिख दिया, ठीक है, और इनके करस्पॉन्डिंग इनकी प्रोबेबिलिटी लिख दी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार टू एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार थ्री अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार के। कहने का मतलब है कि ये जो सैंपल मीन जितनी बार रिपीट हुए हैं, है ना, वो देखा हमने और डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ सैंपल साइज से, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल से, ठीक है, जो हमारा के है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, क्या हुआ, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बना है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बना है हमारा यहां पे, ये कहलाएगा सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब यहां पे हमने क्या करा, जो हमारा स्टेटिस्टिक था वो क्या है, मीन था यहां पे, है ना, सारे सैंपल का मीन निकाला, तो इसको बोलेंगे हम सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, हमने क्या करा यहां पे कि फाइनाइट पॉपुलेशन थी, उसमें से हमने सैंपल्स निकाले, हर सैंपल का हमने स्टैटिस्टिक फाइंड आउट किया और उन स्टैटिस्टिक्स को हमने अलग से एक दूसरे टेबल में रखा, ठीक है। और ये जो टेबल बन रहा है, ये कहलाएगा हमारा सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल कहलाएगा। अब आप सोच रहे होंगे, सर सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का केवल मीन का आएगा, नहीं ऐसा नहीं है, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वेरियंस का भी आ सकता है, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड डिविएशन का भी आ सकता है। अगर आप बात करेंगे सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, तो आप क्या करोगे, जितने भी सैंपल स्टैटिस्टिक है, है ना, जो आपने फाइंड आउट करे हैं, ठीक है, जितने भी सैंपल स्टैटिस्टिक है, आपने क्या करा यहाँ पे, पहले सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन लिख लिया, सेकंड का लिख लिया स्टैंडर्ड डिविएशन, थर्ड का लिख लिया, ऐसे ही आपने kth सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन लिख लिया, ठीक है। मैं इसको एस के कर देता हूँ, फोर की जगह kth सैंपल का आपने स्टैंडर्ड डिविएशन लिख लिया, ठीक है, और करस्पॉन्डिंग इनकी आपने प्रोबेबिलिटी लिख दी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस थ्री, ऐसे अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस के, जहां पे एस का मतलब क्या है, सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये बन जाएगा सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। तो ये कहलाएगा हमारा सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे ही हम सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियंस निकाल सकते हैं, है ना, ऐसे हम सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन भी निकाल सकते हैं। तो मेरा एक वीडियो है जो आपने देखा होगा, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोपोर्शन, उसमें मैंने क्लियरली बताया है कि प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, तो आप वीडियो जरूर देखिए, है ना, उसकी लिंक आई बटन में दे के रखिए।
अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन भी हम निकाल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। अगर मैं स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करूंगा तो वो क्या कहलाएगा हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन कहलाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या होती है यहाँ पे, ये तो चीज हो गई हमारी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे कि स्टैंडर्ड एरर का मतलब क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है कि स्टैंडर्ड एरर का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, स्टैंडर्ड एरर की बात अगर मैं करूं कि जो भी हमने सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन निकाला है, ठीक है, जैसे कि हमारा सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है मीन का, ठीक है। अब इस सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का अगर मैं क्या फाइंड करूंगा, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालूंगा। ध्यान से देखना दोस्तों, क्या लिखा हमने यहां पे, अगर मैं ये जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है, इस सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का अगर मैं स्टैंडर्ड डिविएशन निकालूंगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन बोलूंगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है, इसका अगर हम क्या फाइंड कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल रहे हैं, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड इन जनरल डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है किसका, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं। अब से फॉर एग्जांपल अगर हम स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे किसका, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का, मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका अगर हम स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे तो वो क्या कहलाएगा हमारा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कहलाएगा। और उसको हम डिनोट किससे करते हैं, जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन होता है जिसको हम लिखते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन SEX बार, या हम लिखेंगे इसको σX बार, ठीक है, ये कहलाता है हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, ठीक है। सिमिलरली आप स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन भी निकाल सकते हैं, और स्टैंडर्ड एरर ऑफ वेरियंस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। हर एक का जो स्टैंडर्ड एरर होता है वो डिफरेंट होता है। कहने का मतलब अगर आपने स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का, तो इसका जो स्टैंडर्ड एरर है वो अलग आएगा। अगर आपने स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला किसका, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन का, तो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन इससे अलग आएगा, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड एरर है वो हर डिविएशन का, हर डिस्ट्रीब्यूशन का अलग अलग आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये स्टैंडर्ड एरर हम क्यों पढ़ रहे हैं, जो स्टैंडर्ड एरर है इसको अपन स्टैंडर्ड एरर क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए बेसिकली होता क्या है कि जो स्टैंडर्ड एरर रहता है उसका यूज हम काय में करते हैं, ये जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है, सॉरी जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन है या सिग्मा एक्स बार है, जब हम पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस और उसमें हम जब पढ़ते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे निकालते हैं, तो उस केस में ये जो स्टैंडर्ड एरर रहता है ये बहुत यूजफुल हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देके बताऊंगा आगे कि स्टैंडर्ड एरर से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है आपको कि जब भी हम स्टैंडर्ड एरर निकालेंगे किसका, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें एक और चीज क्या रहेगी कि जैसे मैं आपको मीन के बारे में समझा रहा हूं आगे, तो सपोज कीजिए मैं केवल फोकस अभी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन पे कर रहा हूं। तो देखिए अब यहां पे ध्यान क्या रखना है आपको कि जो हमने सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन निकाला है ना, अब यहां पे अगर मैं इस सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का भी मीन निकालूंगा, कहने का मतलब अगर मैं मीन फाइंड करूंगा सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अगर मैं मीन फाइंड करूंगा सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का, ठीक है, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, उसको मैं डिनोट कर रहा हूं म्यू एक्स बार से, और वो किसके बराबर आ जाएगा, म्यू के बराबर आ जाएगा। कहने का मतलब है जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन रहेगा वो पॉपुलेशन मीन के बराबर रहेगा, ठीक है। जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन रहेगा वो पॉपुलेशन मीन के बराबर रहेगा। कहने का मतलब है जो पॉपुलेशन थी उसका मीन आप निकाल लेना, है ना, और ये जो जितने भी आपको सैंपल है, के सैंपल, इनका भी आप मीन निकाल लेना। चाहे आप यूज कर रहे हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट, या आप यूज कर रहे हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, कोई सी भी सैंपलिंग टेक्निक आप लगा रहे हैं, दोनों केस में क्या होगा, अगर आप सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन निकालोगे तो उसका जो मीन आएगा सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का, वो पॉपुलेशन मीन के बराबर रहेगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है,
जो वेरियंस होता है, या मैं इसको स्टैंडर्ड डिविएशन लिखता हूं, जो स्टैंडर्ड डिविएशन रहेगा, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड डिविएशन रहेगा सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का, उसको हम डिनोट करेंगे सिग्मा एक्स बार से, ठीक है, सिग्मा एक्स बार से, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा डिवाइडेड बाय रूट एन, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड डिविएशन होगा सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का, जिसको इन शॉर्ट हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन भी बोलेंगे, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन भी बोलेंगे, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय रूट एन, जहां पे सिग्मा का मतलब क्या होगा, ये जो सिग्मा है इसका मतलब क्या होगा, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, ये जो सिग्मा है इसका मतलब क्या होगा, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन, और ये जो स्मॉल एन है, इस स्मॉल एन का मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, सैंपल साइज, ठीक है, कितने साइज का सैंपल आपने पॉपुलेशन में सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे हम सैंपल साइज को बढ़ाएंगे, यहां ध्यान देखिए, जैसे जैसे हम सैंपल साइज को बढ़ाएंगे तो जो स्टैंडर्ड एरर है मीन का वो क्या होगा, कम होते जाएगा, क्योंकि देखिए जैसे जैसे हमने सैंपल साइज एन को बढ़ाया, जो स्टैंडर्ड एरर है मीन का, मतलब जो स्टैंडर्ड डिविएशन है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का, वो क्या होगा, कम होते जाएगा, रेड्यूस होते जाएगा। इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई यहां पर एक डायग्राम बनाया, ठीक है, तो ये सभी को पता है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है, ठीक है, यहां पे हमें पता है ये म्यू क्या होता है, हमारा पॉपुलेशन मीन। अब अगर हमारा ये म्यू पॉपुलेशन मीन है तो इसी के इक्वल्स टू में क्या आएगा, यहाँ पे म्यू एक्स बार आ जाएगा, मतलब जो सैंपल मीन, जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है वो पॉपुलेशन मीन के बराबर रहेगा, और ये जो डिस्टेंस रहेगी, है ना, ये डिस्टेंस रहेगी, ये क्या कहलाएगी हमारी, सिग्मा डिवाइडेड बाय रूट एन। कहने का मतलब ये क्या कहलाएगा हमारा, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, है ना। अब सपोज कीजिए यहाँ पे जो n है, इस एग्जांपल में अपन मान लेते हैं कि n सपोज करो कितना है, यहाँ पे अपना n 10 है, ठीक है। अब अगर मैंने दूसरा इसमें डायग्राम बनाया और n की वैल्यू मैंने 10 से बढ़ा के फॉर एग्जाम्पल 20 कर दी, ठीक है, तो इस केस में मेरा n कितना है, 10 है, तो इतना डिविएशन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू इतनी आ रही है। अब अगर मैंने यहां पे n की वैल्यू क्या कर दी, 20 कर दी, तो कुछ इस टाइप से हो सकता है, ठीक है, तो म्यू इक्वल्स टू म्यू एक्स बार तो रहेगा, बट अब चेंज क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल्स टू म्यू एक्स बार तो रहेगा, बट चेंज क्या हो रहा है यहां पे, जो डिस्टेंस रहेगी ये वाली, ये जो डिस्टेंस है, अब ये जो सिग्मा बाय रूट है ने, ये क्या हो गई, कम हो गई, मतलब मीन से जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई, कम हो गई। क्यों कम हो गई, क्योंकि हमने यहां पे सैंपल साइज क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है। तो जैसे ही आप सैंपल साइज बढ़ाएंगे क्या होगा, जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन रहेगा या स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन रहेगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि हम इसका यूज क्यों करते हैं, है ना, इसका यूज क्यों करते हैं, देखिए इसका यूज क्यों करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो स्टैंडर्ड एरर रहता है ना, स्टैंडर्ड एरर का यूज क्यों होता है, कॉन्फिडेंस लिमिट को या कॉन्फिडेंस इंटरवल को सेट करने में होता है, ठीक है। और दूसरा यूज क्या होता है इसका, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में, मतलब जब हम पॉपुलेशन पैरामीटर की स्टडी करते हैं और वहां पे हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, उस केस में भी हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड एरर का यूज करते हैं। तो हमारे जो वीडियो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या, वो देखिए, उसमें हमने वहां पे वर्ड यूज किया है स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड एरर कुछ नहीं होता, यही चीज होती है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब मैं आपको इसमें सभी के स्टैंडर्ड एरर लिख के बता रहा हूं यहां पे कि किस टाइप से सारे स्टैंडर्ड एरर हमें लिखना है। तो देखिए यहां पे एक टेबल बना रहा हूं मैं, यहां पे इस टेबल में मैंने यहां पे दो कॉलम बना रहा हूं। पहले कॉलम में मैं लिख रहा हूं स्टैटिस्टिक और सेकंड कॉलम में मैं लिख रहा हूं उनके स्टैंडर्ड, उनके लिख रहा हूं मैं स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम में हम लिख रहे हैं स्टैटिस्टिक और सेकंड कॉलम में हम लिख रहे हैं स्टैंडर्ड एरर, ठीक। तो अगर स्टैटिस्टिक क्या होगा पहला, अगर स्टैटिस्टिक क्या होगा सैंपल मीन होगा, अगर स्टैटिस्टिक होगा सैंपल मीन एक्स बार, तो इसका जो स्टैंडर्ड एरर है वो क्या हो जाएगा, वो होगा, अभी मैंने आपको बताया सिग्मा बाय रूट एन, ठीक है, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड एरर। दूसरा
अगर मैं बात करूँ सैंपल, अगर मैं बात करूँ सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन की, ठीक है, अगर मैं बात करूँ सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन की, ठीक है, जिसको अपन स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, तो इसका जो स्टैंडर्ड एरर रहेगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2n, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं सैंपल स्टेटिस्टिक, मेरा स्टेटिस्टिक क्या है, सैंपल वेरियंस मतलब एस स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालूंगा, स्टैंडर्ड एरर निकालूंगा, तो वो कितना आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर बाहर आ जाएगा और ये बचेगा अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय n, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सैंपल वेरियंस का स्टैंडर्ड एरर। सिमिलरली अगर मैं स्टैंडर्ड एरर निकालूंगा सैंपल प्रपोर्शन का, ठीक है, अगर मैं स्टैंडर्ड एरर निकालूंगा सैंपल प्रपोर्शन का, तो वो क्या आएगा, अगर मेरा स्टेटिस्टिक है सैंपल प्रपोर्शन, ठीक है, इसको हम पी बोलते हैं या पी कैप बोलते हैं या स्मॉल पी बोलते हैं, ठीक है, इसका अगर हम क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड एरर निकालेंगे, तो ये क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ कैपिटल पी क्यू डिवाइडेड बाय एन। आप ये देख सकते हो, जो हमारा टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस वाला वीडियो है, इसमें हमने ये यूज़ किया है ना, सैंपल प्रपोर्शन में स्टैंडर्ड एरर के फॉर्मूले में ये यूज़ किया है, ठीक है। और अगर हम स्टैंडर्ड, अगर हमारा सैंपल स्टेटिस्टिक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा सैंपल स्टेटिस्टिक है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, है ना, सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, स्मॉल आर बोलेंगे, तो उस केस में जो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, 1 - rho² डिवाइडेड बाय रूट एन, जहाँ पे रो का मतलब क्या होगा, पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू सैंपल है ना, डिफरेंस ऑफ टू सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन और डिफरेंस ऑफ टू सैंपल प्रपोर्शन, है ना, इनके भी क्या है, स्टैंडर्ड एरर के फॉर्मूले है। तो मैं यहां नोट कर देता हूं, यहां पे पहला है अपना डिफरेंस ऑफ टू सैंपल, और इसका जो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला है टू सैंपल मीन, सॉरी डिफरेंस ऑफ टू सैंपल मीन, और जो इसका स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला है वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सिग्मा वन स्क्वायर बाय एन वन प्लस सिग्मा टू स्क्वायर बाय एन टू, ठीक है। तो ये कुछ मैंने फॉर्मूला लिखे यहाँ पे कि कुछ स्टेटिस्टिक आपको देके रखे हैं और उनके स्टैंडर्ड एरर क्या होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड एरर के ऊपर। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि इसके न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, है ना, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन के न्यूमेरिकल हम कैसे सॉल्व करते हैं। थैंक यू।